नहीं है अल्फा। क्या? और ये हमारे प्यारे प्यारे डॉग मिस्टर अल्फा बड़े आराम से बैठे, देखो अब ये परेशान करेगा। और ये आदित्य को परेशान करना शुरू कर दिया अल्फा ने। अब हम चले प्रैक्टिस पे। इनका नाम है अल्फा डिकोस्टा, मिस्टर अल्फा। और ये देखो मिस्टर आदित्य। अब हम चले एकेडमी। ये रास्ता है एकेडमी का, अभी जाना है पेट्रोल पंप। पेट्रोल खत्म हो गया है, आप देख सकते हो अगर आपको दिख रहा होगा। और भाई मास्क पहन के रखना है, मास्क बहुत ज़रूरी है। कोविड बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो प्लीज़ मास्क पहन के रखें। तो फ्रेंड्स एकेडमी जा रहे थे और गाड़ी में हो गया पंचर। अब ये पंचर जुड़वा रहे हैं हम दुकान पर, रुके हैं भैया के। तेल रुक गई गाड़ी में, पता नहीं रास्ते में भी कैसे। अब आए तो पेट्रोल भरवाने थे, पर अब पंचर भी जुड़वाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अब हम चिराग को लेने जा रहे हैं, चिराग के घर पहुंचने वाले हैं। यहीं कहीं खड़ा होगा चिराग, इधर है उसका घर, रेलवे स्टेशन की तरफ है। चिराग हमारे कप्तान है, जैसा मैंने आपको पहले व्लॉग में बताया था, बड़े तगड़े लेग स्पिनर हैं और T10 के भी हमारे कप्तान हैं। अभी देखते हैं, अभी दिखाएंगे आपको, यहीं कहीं खड़े होंगे। फोन पर फोन दबा के, अब यार मैं काम, मुझे कहाँ बैठाओगे यार, जगह तो होगी। और ये चिराग आगे, क्या हाल है दोस्तों, बैठ जाओ। और साइकिल क्या हाल है? बढ़िया भैया, एक बंदे की तो जगह है यार, कहीं भी नहीं है, माचिस की थाला यार। और ये हमारे पप्पू भाई, भाई मास्क लाया नहीं मैं, 5 मिनट बोल के 15 मिनट कर दी। और ये मेरा मास्क है, और मास्क लाया नहीं, तो इनकी हालत देख लो आप, ये ब्लैक पैंथर लग रहे बिल्कुल। चक दो मोटे के। और ये चिराग कुछ कह रहे हैं, चिराग भाई तो गफलत में आ गया। और ये साइकिल स्कूटी लेके भाग गया। रहने दे, माउथ मत मेरा ओपन करवा, गफलत में बता रहा, रहने दे कर लो माउथ ओपन। ओ मैं हेल्प करने में की जा रहा ताला। तो फ्रेंड्स हम आ गए एकेडमी के बाहर हैं। ये चिराग और हिमांशु जा रहे हैं, ये स्कूल है सेंट मार्क्स एकेडमी। और ये चिराग साइकिल छेड़ रहे हैं पता नहीं किसी की। फिर ये सायरन बजा रहे, सायरन बड़े कॉमेडियन है ये चिराग। और भाई पहले से ही प्रैक्टिस चल रही है आज, तो कोच भी आए हुए मिस्टर हातिम सिरोहा, बहुत ही सारे बच्चे हैं भाई आज, तो ग्राउंड भी सूख गया। और गर्वित बैटिंग कर रहे हैं, सिरोहा भी आए हुए हैं, भव्य बहुत सारे बच्चे हैं आज, तो भाई हम भी करेंगे आज कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे। अभी आपको हम 700 रुपये, अरे फ्री होगी वैक्सीन तो यार, अगर सरकार की तरफ से आएगी तो फ्री होगी। स्कूल्स में तो फ्री है, स्कूल्स में तो फ्री है, फ्री है, फ्री वैक्सीन तो फ्री। 1200 रुपये का एक टीका, ठीक है ठीक, भेज रहा है मेरे पास व्हाट्सएप। वो आधार कार्ड दिखा के लगेगा क्या? और ये हमारे मोटे भाई हिमांशु, हिमांशु द मोटा, किसका बैठा भाई ये? बस भाई इनके जवाब भी सुन लो आप, तो आपको पता चल गया होगा ये कितने महान खिलाड़ी हैं। कॉमेडियन फ्री में लग रही है, स्कूल में लग रही है, आधार कार्ड देना है उन्हें बस। और क्या ना, और ये हमारे कोच साहब कुछ बात कर रहे हैं अभी, ये क्या बात चल रही है भाई? सर एक्चुअली में वैक्सीनेशन चल रही है एरिया में, तो स्कूल में इस वजह से जो है वैक्सीनेशन करवा रहे हैं एकेडमी के बच्चों का, तो प्लीज़ बी वैक्सीनेटेड। तो फ्रेंड्स ने यहाँ बैठ लिया, थोड़ी सी नॉकिंग कर लेता हूँ, फिर आगे का व्लॉग कंटिन्यू करूँगा, दिखाता हूँ आपको बैठ के स्ट्रोक कैसे हैं।
तो फ्रेंड्स आज तो है नेट सेशन, बढ़िया धूप निकल रही है और आज चल रहा है नेट और ये देख सकते हो आप यार कोई बोले लेके कोई जगलिंग कर रहा है। और ये देखो मैं जब से आया हूँ एक घंटा हो गया जब से इसकी स्ट्रेचिंग ही चल रही है, एक ये स्ट्रेचर और एक ये स्ट्रेचर, इसने तो आज बैटिंग कर ली थोड़ी। और ये देखो वेट कर रहे हैं, ये दोनों फास्ट बॉलर हैं, लेफ्टी फास्ट बॉलर, बैटिंग तो हमने भी की है पर हमने कम की है। अच्छा, और ये राइट आर्म फास्ट बॉलर, एक है गर्वित एक है सिरोहा। और ये चल रही है रोड राउंड प्लास्टिक बॉल से, अभिषेक बैटिंग कर रहे हैं और भव्य बॉलिंग करा रहे हैं, प्लास्टिक बॉल से चल रहा है, थोड़ा स्पीड खेलने की प्रैक्टिस हो जाती है बस इससे, बाउंस की तेज की। इसमें बस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ टाइमिंग करनी है ज़्यादा तेज। और ये हिमांशु और गौरव स्पिनर्स को खेल रहे हैं, गौरव तो अपना नया बल्ले का स्ट्रोक खोल रहे हैं शायद, और हिमांशु बैटिंग करने आए हैं यहाँ पे। आदित्य सहगल और ये सौरभ लेग स्पिनर हैं दोनों, अभी ये तो बेचारे बिगनर ही हैं सौरभ तो, और ये 90 नंबर थोड़ा मैच्योर है, अच्छा लेग स्पिनर है ये। और अब हम अपनी अकेडमी के हार्ड हिटर को दिखाने जा रहे हैं, हिमांशु सैनी, T10 में इन्होंने कमाल कर दिया था, सिंगल हैंडेडली एक मैच जिता दिया था। कितने रन मारे थे भाई? 60। कितनी बॉल? बहुत ही अच्छे हिटर हैं ये, क्योंकि जान बहुत है इनके अंदर, जान से मारते हैं सारे शॉट। T10 में इन्होंने बहुत ही आतिशी पारी खेली थी, 27/62। छक्के कितने मारे थे भाई? 7 छक्के मारे, 6 छक्के मारे थे। ये देखो ऐसे ही मारते हैं भाई ये तो। और ये इन्होंने शायद T10 की पहनी है, पंजाब लायंस की टीम में थे, पंजाब किंग्स, पंजाब लायंस, पंजाब लायंस, पर हमारे अगेंस्ट नहीं ये चल पाए, 7 रन पे आउट हो गए थे, छक्का मारने जा रहे थे और मिडोन के ऊपर कैच, और वो करा रहे हैं वो हमारी टीम के कोलकाता के ही बॉलर थे, और ये पंजाब के बल्लेबाज, क्या बॉल कराई भाई, क्या बॉल कराई गाइस, ये उठ गए यहाँ पर ना, नो बीट कर दिया एक्स्ट्रा बाउंस। और ये जो बैट है ये भी हमारे कप्तान का बैट है, चिराग का बैट है ये, शायद SF का, हाँ उसका ही बैट है। किसका? इस संडे नहीं जो आ रहा है, उससे अगले संडे, कॉर्पोरेट वाले हैं। अच्छा, वो दिल्ली, वो दिल्ली वाले, थैंक यू। कहाँ पर? जिस संडे में था MS धोनी, वाइट बॉल, ठीक। कॉर्पोरेट वाले हैं, क्या अच्छी टीम लाने में ना, कोई बात नहीं, अच्छी ला, अच्छी। तू कहाँ जा रहा है भाई? बॉलर्स की हो गई लड़ाई आपस में, गर्वित कुछ समझा रहा था पर ये आपस में लड़ पड़े। अगर बॉडी खुले भी नहीं जाके ड्रिल करेगा फालतू में, तो उमरान मलिक ना जैसे, वो उसने तो मेहनत नहीं करी, वो नेचुरलीपन से डाल रहा, तुम्हें मेहनत करके डालनी, हर सबका अलग अलग है यार, ऐसा नहीं है कि, और जरूरी नहीं कि तू मेहनत करने का 150 डाल देगा, जितना तेरी बॉडी सपोर्ट करेगी, मसल तेरे सपोर्ट करेगा, उतना डालेगा, जितनी मसल मेमोरी में होगा उतना डालेगा, ज़्यादा जोर मारेगा ना बैक पकड़ के बैठ जाएगा, ये सब। देखो आप उधर देख सकते हो महल है, और वो गर्वित जा रहा था उधर को, तो वो उसके पीछे आ गई, अब वो हमारे ऊपर भी है, बहुत दिक्कत हो रही है, अभी उठने में दिक्कत होगी, तो धीरे धीरे, अरे इधर मत आ, अरे आदित्य आ गए, इनके भी निपट सकती है, वो गर्वित है वहाँ पे, गर्वित एक लड़का उधर पड़ा हुआ चली गई, नहीं टांट पे काट लिया, ओबे भाई चौधरी भाग भाई यहाँ से, भाई झुके रहो, ये तो नहीं यार, ये देखिए यार इसने बहुत गलत, अरे बाप रे
बेटे आज तो नहीं मिटावेंगी है, ले के जाएंगी समझी। अबे यहीं है मत आया। तो भाई तूने आठ वाली बॉल से सेकम ताड़ी खेली ना भैया? सुना मैंने, पर खेली तूने ना? हमने चार वाली से खेली खेली हाँ। देख लो गाइस, इसने चार वाली से खेली और हाल देख लो इसके, ये चार खेल खेल के सुझ जा सा हो रहा है। देख लो चार वाली, एक इसके यहाँ लगी थी बेचारे के, आज तक सूझ रहा है। एक यहाँ लगी हुई और एक कमर पे लगी हुई निशान। और एक ना मैं आपको एक फैक्ट की बात बताऊँ, सबसे ज्यादा इसके चार वाली कहाँ लगी? सबसे ज्यादा चार वाली इसके बेचारे के दिमाग में लगी, आज तक ठीक नहीं हो पाया वो। कमेंट में जरूर बताना आठ वाली अंडे की बॉल से किस किस ने क्रिकेट खेला है बचपन में। क्रिकेट नहीं, क्रिकेट तो सबने खेला होगा। सिक्कम ताड़ी, भाई ने सिक्कम ताड़ी खेली। मैं चार वाले से खेली भाई, चार वाली बॉल से किसने सिक्कम ताड़ी खेली? और हमारे तो खेली। आप ध्यान से देखो कितना कूल हो गया।